अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राजपूत डॉक्यूमेंट्री। दोस्तों, क्या आप जानते हैं टूथपेस्ट पर नीचे की तरफ रेड, ब्लू और ग्रीन का निशान क्यों दिया जाता है? और क्या आप जानते हैं पेट्रोल डालने वाली नोजल पर आगे की तरफ स्प्रिंग क्यों लगाया जाता है? और कीबोर्ड पर अल्फाबेट जे और एफ पर निशान क्यों मौजूद होता है? इन सभी इफेक्ट को जानने के लिए आपको रहना होगा इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। नंबर एक, पेट्रोल पंप। दोस्तों, आपने अक्सर पेट्रोल पंप पर देखा होगा पेट्रोल जिस पाइप या नोजल के साथ आपकी गाड़ी में डाला जाता है, इसके ऊपर एक स्प्रिंग लगा होता है। क्या आपने कभी सोचा है इसको वहां लगाने का क्या मकसद है? अगर कोई ड्राइवर गाड़ी चला दे और अभी पाइप इसमें लगा हो तो पूरा पेट्रोल पंप आग की जद में आ सकता है। लेकिन पूरे पेट्रोल पंप को तबाही से बचाने के लिए वहां स्प्रिंग लगाया जाता है ताकि अगर कोई ड्राइवर गलती से गाड़ी चला भी दे तो वो पाइप सिर्फ टूटे, ना कि पूरा पेट्रोल पंप तबाह हो जाए। नंबर दो, पेन कैप। दोस्तों, अगर आप पेन के ढकने को देखें तो इसके ऊपर एक सुराख दिखाई देता है। बहुत से लोगों का मानना है ये सुराख इसलिए बनाया जाता है ताकि पेन जल्दी सूख जाए और इसको इस्तेमाल करने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेन खरीदें और कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट मिले, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो अपने पेन को मुंह में डालते हैं और इसे चुबाते रहते हैं। दोस्तों, इस वजह से इनकी ज़बान पर काफ़ी ज़्यादा इंक लग जाती है और मुख्तलिफ बीमारियों का वो शिकार भी हो सकते हैं। तो इसीलिए ये सुराख बनाया जाता है ताकि वहां से इंक निकल कर इनके मुंह में ना जाए और इन्हें नुकसान ना पहुंच सके। नंबर तीन, कीबोर्ड। दोस्तों, अगर आप कीबोर्ड को देखें तो इसके ऊपर दो अल्फाबेट एफ और जे ऐसे हैं जिनके ऊपर निशान मौजूद होते हैं। आखिर वो निशान क्यों बनाए गए हैं, क्या आपको पता है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि टाइपिंग करते वक्त आपको हाथों की पोजीशन समझने में मदद मिल सके और आप स्क्रीन को देखते हुए अपनी उंगलियों से फील कर सके कि आपके हाथ इस वक्त किस अल्फाबेट के ऊपर मौजूद हैं। नंबर चार, फ्यूल एरो। दोस्तों, क्या आपको पता है गाड़ी में मौजूद यह एरो किस चीज को शो करता है? यह एरो आपको बताता है आपकी गाड़ी के फ्यूल टैंक का मुंह किस तरफ है। यानी अगर एरो राइट साइड पर है तो ये आपको बताएगा कि आपकी गाड़ी का फ्यूल टैंक राइट साइड पर है। अगर ये निशान लेफ्ट साइड पर है तो इसका मतलब है आपकी गाड़ी का फ्यूल टैंक लेफ्ट साइड पर है। नंबर पांच, आईफोन होल। दोस्तों, आईफोन के कैमरे और फ्लश के दरमियान देखा जाए तो एक ब्लैक कलर का डॉट दिखाई देता है। बहुत से लोगों को लगता है कि यह कैमरा या फ्लश है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आईफोन की जानब से ये एक माइक्रोफोन बनाया गया है ताकि आपकी साउंड की क्वालिटी को बेहतर तरीके से रिकॉर्ड किया जा सके। नंबर छः, स्मॉल होल। दोस्तों, आपने बहुत सारे ताले देखे होंगे जिनमें नीचे की तरफ एक छोटा सा सुराख दिखाई देता है। इसको बनाने का मकसद ये बताया जाता है कि इसको ऑयलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसको जंग लग जाए तो इस दौरान अगर तेल लगाना हो तो इस सुराख के जरिए लगाया जा सकता है। नंबर सात, कलर। दोस्तों, आपने बहुत सारे टूथपेस्ट को यूज किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है इन टूथपेस्ट के नीचे की तरफ मुख्तलिफ कलर दिखाई देते हैं, ग्रीन, रेड और ब्लू। इन सब का एक अलहदा अलहदा मकसद होता है। ये कलर इनके केमिकल्स के हवाले से बताते हैं। अगर आपको टूथपेस्ट के नीचे ग्रीन कलर का निशान दिखाई दे तो इसका यह मतलब है कि यह कुदरती अज्जा से बना है। अगर आपको टूथपेस्ट के नीचे रेड कलर का निशान दिखाई देता है तो इसका यह मतलब है यह मोस्टली केमिकल से बना है। अगर आपको ब्लू कलर दिखाई देता है तो यह नेचुरली और मेडिसिन दोनों तरीकों से बनाया जाता है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।